Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 12, prepositions. Okay, a preposition is a word that shows place or position of one noun or pronoun in relation to another noun or pronoun in a sentence. Proposition wo word hota hai jo किसी भी चीज़ की किसी भी नाउन या प्रोनाउन की प्लेस बताता है या उसकी पोजीशन बताता है और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस में जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसकी पोजीशन बताएगा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है. तो यहाँ बुक क्या हुआ? बुक यहाँ पे नाउन हुआ, ठीक है, और टेबल भी नाउन हुआ, ठीक है. तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है और उस नाउन की पोजीशन बता रहा है, ठीक है. तो ऐसे ही हमें ये प्रपोजिशन पोजीशन बताते हैं, ठीक है. तो प्रपोजिशन कैन ऑल्सो शो टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन. प्रपोजिशन टाइम भी बता सकते हैं, मूवमेंट भी बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ठीक है. इसके हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उससे हमें क्लियर होगा कि कैसे प्रपोजिशन हमें कुछ शो करते हैं, ठीक है. What is the time by your watch? तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, ठीक है. My father has come from Agra. मेरे फादर आगरा से आए. Manju goes to school with her friend. Manju स्कूल गई अपने फ्रेंड्स के साथ. The patient is suffering from typhoid. patient को typhoid हो रहा है. My brother has bought a cricket bat for me. मेरा ब्रदर मेरे लिए क्रिकेट बैट लेकर आया. फॉर मी मेरे लिए, ठीक है. द मैंगोज आर इन द बास्केट. मैंगोज आर इन द बास्केट. मैंगोज कहाँ पर है? बास्केट में है. द रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड. रिंग किसकी बनी है? प्योर गोल्ड की. ऑफ प्योर गोल्ड. वी विल रीच देयर एट 8 PM. 8 PM हम वहाँ 8 बजे तक पहुँच जाएंगे. Some other commonly used proposition are as follows. अब कुछ और जो commonly used होते हैं proposition, वो क्या क्या हैं? Behind, near, in front of, between, among, on, over, under, below, above, into, before, after, out of, etc. A proposition is a word that shows place or position of one noun or pronoun in relation to another noun or pronoun in a sentences. Okay? तो वही बात फिर से लिखी हुई है कि प्रपोजिशन क्या होता है. प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बता रहा होता है और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन भी बताता है. और ये टाइम भी शो करते हैं या डायरेक्शन भी शो करते हैं प्रपोजिशन, ठीक है. तो यही है बस इतना प्रपोजिशन में. इसमें टिक द करेक्ट है और एक दो एक्सरसाइजेस हैं, वो मैं आपको फिल करके सेंड करूँगी. तो आपको वो कंप्लीट करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करना है. और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.